इनको अक्कल आ गई थोड़ी देर, इन्होंने कहा कि ऐसे मैं अपने साथ कैसे कर सकता। आर यू सीरियस प्रीति? यस आई एम सीरियस डार्लिंग, आई एम वेरी सीरियस। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? तो सुबह हो चुकी है और सूरी साहब बैठ के मेरा ब्लॉग चेक कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कि मैंने कैसा ब्लॉग एडिट करा है बता देना कोई गलती हो तो। एनीवेज देखते हैं छोटे सूरी साहब क्या कर रहे हैं। ये देखो, आराम से बैठ के टीवी देखा जा रहा है। हैव यू रेडी योर बुक बेबी? गुड जॉब। चलो अब मम्मा जल्दी से जाती है। एंड यू हैव टेकन शावर आल्सो, राइट? आई एम गोइंग टू मेक योर ब्रेकफास्ट, ठीक है? मम्मी कैन यू आल्सो मेक स्टीम ब्रोकली फॉर मी? ओके आई विल। तो अभी सूरी ने एक नया टेस्ट डेवलप करा है स्टीम्ड ब्रोकली खाने का, तो मैं उसके लिए स्टीम करके ब्रोकली बनाऊंगी। मेरे ना ये लिप्स बहुत ड्राई हो गए थे और मैंने इसके ऊपर की पूरी डेड स्किन को उतार दिया। नाउ इट्स लुकिंग रियली वेरी बैड। मुझे भी ना पंगे लेने की आदत है। Anyways, it's okay. तो आज बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होने वाला है। अभी को खानी है स्टीम्ड ब्रोकली ऑमलेट के साथ और सौरभ भी खाएंगे ऑमलेट के साथ और मैं खाऊंगी वाइट एग के साथ। क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने ब्रोकली को पीसेस में काट कर एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट पेपर और बटर डाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी बॉइलिंग वाटर और मैं इसको क्विक बॉइल कर लूंगी। तो ब्रोकली हमारी बहुत अच्छी तरह से उबल रही है और अभी ऑमलेट भी रेडी होने वाला है। इसमें मैंने सिर्फ एग, सॉल्ट, पेपर और कोरिएंडर डाला है। सो हियर यू गो। तो आपको स्टीम ब्रोकली चाहिए थी राइट? ऑमलेट नाइस। मैंने कहा थोड़ी देर में फिर ये सब कुछ संभाल देंगे, ठीक है ना? डेकोरेशन वगैरह भी निकाल दो। हाँ चेयर्स भी निकाल दो, ठीक है? तुम्हारा नाश्ता भी आ रहा है। तो प्रीति ने मेरे लिए ऑमलेट और ब्रेड बनाई है। प्रीति तू मुझे ब्रेड खिलाई जा बस। पता है यार ऑमलेट थोड़ा सा टूट गया। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ना ब्रोकली बीच में डाल दी थी। अच्छा ब्रोकली भी है इसमें? हाँ। तो ये हमारे घर की रीत है, एक बंदा नाश्ता बनाता है और एक बंदा किचन को क्लीन करता है। तो थैंक यू सो मच बेबी। वो बंदा जनरली किचन में जो क्लीन करता है वो सौरभ ही होता है। नहीं थैंक यू सो मच बेबी। और पता है सौरभ, मैंने आपको शायद एक बार बहुत पहले किसी ब्लॉग में बताया था, सौरभ को लगता है कि उससे अच्छा कोई डिशवॉशर नहीं लगा सकता, जो कि बिल्कुल सच है। ये देखो आप, ये बर्तन अभी धुले नहीं है, ये धुलने हैं और आई थिंक वॉश होने से पहले ही ये बर्तन इतने क्लीन है कि मुझे लगे नहीं। एक बार इनको पानी से निकाल के लगा देता हूं। रिंस करता है तो अच्छी तरह से, क्योंकि अच्छी तरह मतलब कर देता हूं क्योंकि वो फिर अच्छे साफ सुथरे होकर निकलते हैं। बिल्कुल। एंड यू नो गाइस इट्स अ टिप, अगर आपके घर में डिश वॉशर है उसको रिंस करके लगाओ। आप जब रिंस करके बर्तन लगाओगे ना तो आपका डिश वॉशर भी बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा और आपके बर्तन भी बहुत अच्छी तरह से साफ होंगे। मुझे टाइम लगता नहीं है, बहुत इजी है। हाँ रिंस करना बहुत आसान होता है। तो सौरभ सबको आप इसके बारे में बता दोगे जो हमने घर में नई चीज लगवाई है? हाँ मैं दो चीजें लगवाई है घर में। तो हमने फर्स्ट हमने लगवाया वाटर सॉफ्टनर। वाटर सॉफ्टनर आपकी स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि वो आपका हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है। सो वी वर थिंकिंग व्हाट फॉर सो लॉन्ग की वो यू नो लगवाएं। और जो लाइम स्किन नहीं आया था टैप्स पे, आप नहाते हो या फिर करते हो तो उसमें टैप में सारा लाइम स्किन आया था हर जगह पे, तो इस हार्ड वाटर को जो सॉफ्ट कर देते हैं तो उससे नहीं आता है। और दूसरा हमने लगवाया है टैप, एक एक्स्ट्रा टैप लगवाया है। ये हमारा वाटर फिल्टर है, तो ये तीन फिल्टर्स लगे हुए नीचे, बैक्टीरिया वायरस एंड यू नो इट विल गिव यू अ क्लीन वाटर। हम हमेशा पानी ना बाहर से खरीद के लाते थे मिनरल वाटर, तो अब इसके बाद हमारे को वो करने की ज़रूरत है नहीं। तो दिस विल बेसिकली गिव अस अ क्लीन वाटर। तो ये हो गया हमारे टैप वाटर है जो मतलब बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर, और एक जो अभी हमारा सॉफ्ट वाटर आ रहा है। अब मानोगे नहीं कि हाथों के लिए इतना अच्छा है, ऐसे लगता है कि सिल्की हो गए हाथ। जब आप सोप से अपना हाथ धोते हो या फिर आप नहाते हो तो ऐसे लगता है कि सब कुछ सिल्की हो गया, मतलब इट्स क्वाइट क्लीन एंड सॉफ्ट वाटर। तो हाँ बहुत अच्छा है। अबीर की स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसको थोड़ा सा ड्राइनेस रहती है, तो वो उसकी स्किन भी मैंने देखा है कि काफ़ी दिनों से जब से लगाए आई थिंक 2-4 दिन हो गए हैं तो फ़र्क पड़ रहा है उसकी स्किन में। तो ये लगाई छोटी सी कैबिनेट है नीचे, बस ये वाटर सॉफ्टनर है और इसके जो पीछे है वो हमारा वाटर फिल्टर है। तीन फिल्टर लगे हुए हैं उसके अंदर। ये हार्वे आर्क है, एक कंपनी है यहाँ पे, सॉफ्ट वाटर सॉफ्टनर कंपनी है, तो बस उनका लगवाया है। ओके अभी ये देखो ये बंदा रेडी हो रहा है। हेलो, इनका क्रिसमस अलग है।
क्या लगे हमारा? हम क्रिसमस ट्री से जाने से पहले हमने खुद को सजाया है। हाँ, ये देखो रेडी हो गए हैं क्रिसमस ट्री से जाने के लिए। ये रेडी हो गए हैं ऐसे लग रहा है। ये माय डॉलिंग, मैंने इसकी हैट ली हुई है और इसके पेट में दर्द हो रखा है, कब मेरी हैट वापस करेगी? कर दे यार, वापस कर दे। कर दी यार, कर दी। ये देखो लिस्ट, इनकी लिस्ट है सेंटा की। स्नैपर्स, पॉपिट, लेगन एंड जॉगर, स्क्यूर, नर्फ गन, and the end of it is so funny and I'm gonna tell you that. No! Fake poop! कर ले और मैं अपनी चेयर्स रेडी करने वाला हूँ। ये भी चेयर्स आ गई हैं। I already bought one decoration off the tree and I want to show you this. I already made a decoration. Okay. This you made it in your school, right? Yeah, I already made it. Okay, good. तो finally मैं और अभी decorate करने वाले हैं अपना Christmas tree. अभी are you ready? Yeah. He's my little helper. चलो, ready करें फिर? Yep. Bobbles आ चुके हैं, so let's start putting up on the Christmas tree. सबसे पहले Christmas tree को कपड़े पहनाने हैं भाई। तो Christmas tree की skirt आती है, I think we call it skirt only ना। तो ये Christmas tree के नीचे जाएगा। So mommy is putting the skirt, whatever it's called, under the tree. तो Christmas tree को मैंने ये स्कर्ट वो मैंने इस पे लगा दी है क्रिसमस ट्री पर, ताकि हम इसके नीचे नीटली अपने सारे प्रेजेंट्स रख सकें। जहां पर ये सब चल रहा है। हाँ जी बेबी। इट्स नॉट गुड स्कर्ट, इट्स गुड बॉय डे आउट वाचिंग स्पाइडरमैन नेवर टुमारो। कुछ भी अभी। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सूरी साहब बना रहे हैं चेयर्स। हमने बता पूरी किचन को वर्कशॉप बना दिया है ना। बट एनीवेज कोई बात नहीं, बस इसको खत्म करता हूँ। अभी एक पहली स्टार्ट हुई है, अभी छह हो रहे हैं, तो पांच हो गए हैं। चलो ठीक है, ओके। बहुत कुछ चल रहा है आज सूरी हाउस में। सो हमने ट्री डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। कमर अभी अलग अलग लगाना, ठीक है? अभी अगर आप एक यहाँ पर लगाओगे गोल्डन, तो दूसरा गोल्डन यहाँ पर लगा। अभी वी फॉरगॉट टू पुट द लाइट्स, हमने क्रिसमस ट्री पे लाइट्स नहीं लगाई। पहले हम लाइट्स लगाएंगे, देन वी विल पुट द बबल्स। ओके, आई एम रेडी फॉर द बबल्स। डोंट वरी, ओके, आई विल मैनेज। आज तुमने बेटे होने का फर्ज निभाया है अपनी माँ का साथ देकर। पहली सीट होगी। एंड डैडी, यू आर नाउ द फर्स्ट सीट ऑफ ऑनर्स। नाइस। It has a handle on the back. तो इसके पीछे हैंडल भी है गोल्डन कलर का। So comfy. It's so comfy. It is very nice. Golden legs है। I'm so happy कि जो मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ है कि मैं पूरे घर में गोल्डन, व्हाइट और ग्रे की थीम दूंगी, वो यू नो उसका 1% मुझे दिखना शुरू हो चुका है। तो मैं आपको फुल लुक दूंगी डाइनिंग टेबल का जब सारी चेयर्स लग जाएंगी। भाई तेरा थीम बहुत बढ़िया है। जब सारी चेयर पे लगा दूंगा ना, it will look really nice. थैंक यू सूरी साहब, बहुत कम ही तारीफ करते हैं मेरी। ओह वेल, थैंक यू। देखते हैं कैसा लगता है। आई कांट वेट। मैं क्या करके रबिश क्लियर कर रहा हूं उसकी। ठीक है। और आप खा के रहे हो बिस्किट? मुझे लगा पिन्नी खा रहे हो जो कल आई है, कलम खरीद के लाए हैं पिन्नियां। ओए होए, आज मैं पिन्नी खा के अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग तोड़ूंगी। ये सही है ना, पहले कुछ मत खाओ फिर पिन्नी खा लो। तो पिन्नी खाऊंगी ना, मैं लंच नहीं करूंगी, सीधा डिनर करूंगी। डिनर में तुमने प्रॉमिस करा तुम बाहर लेके जाओगे। और क्या, इतना काम कर रही हूँ मैं है? क्रिसमस पे लाइटें लगा लो, क्रिसमस ट्री पे बहुत काम। पता है क्रिसमस की तैयारी ऐसे हो रही है, शादी है घर में। I'm so excited. तो क्रिसमस ट्री पे लाइट्स लग गई है, आई होप कि आपको नजर आ रही हो। बहुत मुश्किल था भाई ये लाइट्स लगाना, सीरियसली। ओके, आई एम सो सॉरी बेबी, आई हैव टू रिमूव योर बॉबल्स बिकॉज इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट द लाइट्स विद द बॉबल्स। ओके, सो विल डू इट नाउ। Mommy, can you please make my lights now? I'm getting hungry. Okay, thank you. दूसरी चेयर भी बन चुकी है। गुड जॉब सूरी साहब। तो तुम ना थोड़ा सा इधर मूव कर लेना, ठीक है?
ताकि मैं वहाँ पे कुकिंग कर सकूँ। तो मैं कह रही थी कि मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग पिन्नी खा के तोड़ूंगी, बट फॉर्चुनेटली मैं बेल पेपर खाकर अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग तोड़ रही हूँ। इनको अक्कल आ गई थोड़ी देर, इन्होंने कहा कि ऐसे मैं अपने साथ कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि क्रिसमस पे बहुत खाने वाली बेटी, खाने भी वाली हूँ और बनाने भी वाली हूँ। अभी व्हाट आर यू डूइंग? अभी जी क्या कर रहे हैं? पूरा खा रहा है। आप शिमला मिर्च को रॉ भी खा सकते हो, इट्स सो डिलिशियस। अभी को देखना एक मिनट, अभी यू आर नॉट अलाउड टू पिक अप द नाइफ बेबी, नो बेबी नो, मामा विल कट इट। मम्मी ओके नाउ गिव इट टू मी। यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग हो रही है, तो हम आपसे जरा दो मिनट में बात करते हैं। भैया नाइफ दे दो मुझे, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे घर में शेफ कभी रुकता नहीं है। एकदम से शेफ बन गई है अभी। क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस अभी के लिए। तो अबीर की बढ़िया यार, उसकी मतलब जिंदगी बढ़िया है उसकी, एकदम से उसको एग फ्राइड राइस मिल जाते हैं। तो इतने सारे काम एक साथ करके से लेती है? मैं माँ हूँ। अच्छा, ये फिर फिल्म का डायलॉग हो गया, मैं माँ हूँ। अच्छा एनीवेज, चलो मैं खत्म करूँ अपना। हाँ यार, जल्दी 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 जल्दी। बेटी ये क्या कर रही है? बेबी ये ना घर के बाहर लगेंगे, ये ऐसे क्रिसमस ट्रीज है। क्या बात है, ठीक है तो चलो इसको लगाते हैं बाहर। चलो तो ये लग गए हैं स्नोफ्लेक्स और यहाँ लग गई क्रिसमस ट्री। जला दो उसको एक बार, पता लग जाएगा। हाँ ऑन कर दो। ठंड भी बहुत है भाई आज, देखो फॉग दिख रहा है, बादल खराब हो रही है, बहुत ज्यादा फॉग हो रखी है आज। लेकिन आज पता है आई थिंक 1 degree आज। सीरियसली? लेकिन हमारी क्रिसमस की स्पिरिट ऑन है। क्रिसमस की स्पिरिट हमेशा हमारी ऑन रहती है। ये लो यहाँ की भी जला के दिखाया था आपको, ये स्नोफ्लेक्स हो गए। अरे यार मेरे ये तो निकाले ही नहीं। कोई बात नहीं, आराम से कर ले, कोई जल्दी नहीं है। सिर्फ 1 degree तो हो रहा है। मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, आई कांट टेल यू। चल हाँ मैं जाता हूँ, ठीक है, एंजॉय। थैंक यू। हाँ ओके एंजॉय। अभी कौन सा सॉन्ग गा रहे थे? ओके राइट, तो अभी अब सारे बॉबल्स लगा देना। सो गाइस, नो वन कैन हेल्प मी एंड आई एम डूइंग इट अलोन। दिस इज गोना टेक लाइक आई थिंक लाइक 1.5 hours। सही लग रहा है? मस्त लग रहा है एकदम। ऑन करियो। मैरी क्रिसमस, ठीक है ऐसे चलता रहेगा। क्या बात है, बंद कर देते बाहर की लाइट्स, चला दो। हाँ चला दो। तू फिर बैठ गई यहाँ पे, अब क्या कर रही है? ओ अच्छा, ये पाजी रह गई थी, पाजी तुसी रह गई थी। पता है पता, हम जहाँ पर पहले रहते थे ना वहाँ पे घर बहुत सस्ते थे, यहाँ पर भी सस्ते हैं, लेकिन ये थोड़ी नई लोकेलिटी है तो आई थिंक इतने घर नहीं सजे हुए। क्यों, हमारा है ना। लेकिन पूरी गली में ना सबसे ज्यादा हमारा घर सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सारा क्रिसमस यही आ गया। सेंटा पाजी नहीं लगा रखा है। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे तो मजा आ रहा है। कोई गल नहीं, सेंटा पाजी नहीं लगा देंगे। चलो ठीक है, एक मिनट रुको, तुम वहां से ऑन करना। ठीक है ऑन कर दूं? देखो भाई लाइट ऑन हो गई है बाहर, और ये सेंटा पाजी भी ऑन हो गए हैं जी। तो ये सेंटा पाजी लग गए हैं, और हम पूरे घर का लुक दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो अंदर आए हैं। भाई प्रीति अब तू ऊपर क्या कर रही है? बेबी अभी शूटिंग स्टार लगाना है ना। ओहो हाँ, ये तो बहुत जरूरी है शूटिंग स्टार। भाई लगाएगी कहाँ? लेकिन यार तुम वेट करो ना यार, अभी देखो। आर यू सीरियस प्रीति? यस आई एम सीरियस डार्लिंग, आई एम वेरी सीरियस। मैं बहुत ही सीरियस किस्म की बंदी हूँ। काफी सीरियस कर दूंगी, यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है गाइस, ये बाहर भी लग सकता है। हाँ जी। ओ तेरी दी। अभी आप देखो तो सही हो क्या रहा है। वही देखना चाहता हूँ, ये हो क्या रहा है। हेलो आप भी देख लो भाई, हो क्या करामत चल रही है यहाँ पे। अरे उसी को बोल देती साइमन को लगाने के लिए। साइमन को मैं घर ही रख लेती हूँ। यार ये कैसे लगेगा? अरे नहीं नहीं अंदर भाई लगेगा प्रीति, थोड़ी सी खिड़की खुली रहेगी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ -2 ही तो हो रहा है। मतलब ठंडी ताजी हवा भी आएगी इस बहाने। अच्छा। मतलब शूटिंग स्टार की डायरेक्शन गलत हो रही है। कैसे लगाना चाहती है तू यहाँ से, समझ नहीं आ रहा। ये लटकेगा ना दीदी? नहीं लटकता, ये लगता है। ये लास्ट टाइम खिड़की पे लटकाते थे याद है? हाँ
याद आ गया, आ गया, आ गया। अंदर से करते थे हम। हाँ याद आ गया, याद आ गया। चलो शूटिंग स्टार लग रहा है इस खिड़की पे। कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। कोई खिड़की खाली नहीं छोड़ेंगे। ओ तेरी दी। देखो जी शूटिंग स्टार हो गया रेडी। पता जब मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी ना घर का, हाँ तब तुम लोग बात करना। एक्चुअली बहुत बहुत मेहनत करी है प्रीति ने। और ये मैं लगाने जा रही हूँ हमारे रूम में, मतलब की रूम की विंडो पे। ओके स्नोमैन भी आ गया। हाँ स्नोमैन भी आ गया। ठीक है पाजी कर लेना रहना इस करके। स्नोमैन रह गया था वही लोग, स्नोमैन भी आ गया। चलो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि बंदा मेरी डेकोरेशन का मजाक उड़ाएगा और यही वही कर रहा है। तो यस सेंटा पाजी के साथ वीर जी भी आ गए हैं। सर स्नो वीर जी ये कौन से रूम में जा रहा है आपको पता लग जाएगा। अबीर भी हेल्प कर रहा है सौरभ की। अबीर इज माय लिटिल हेल्पर लाइक। तो ये लास्ट चेयर है राइट? हां ये लास्ट चेयर। इसके बाद हम सबको दिखा देंगे कि डाइनिंग टेबल कैसा लग रहा है चेयर्स के साथ। वेयर इज माय एलन की अभी। तो ये दो लोग यहां पर खड़े हैं इस इंतजार में कि कब मम्मी बोलेंगी और ये लोग स्टार्स लगाएंगे। स्टार नॉट स्टार्स, स्टार लगाएंगे क्रिसमस ट्री के टॉप पे। और अब हम रिवील कर रहे हैं अपना क्रिसमस ट्री। हालांकि मेरे हिसाब से अभी और भी डेकोरेट हो सकता है। जी हाँ क्योंकि हमारे जो पुराने वाले बॉबल्स हैं वो पुराने वाले घर में ही रह गए और उसमें हमारी काफी सारी यादें थी यार। हमारे उस वो तो चाहिए को। उसमें कुछ बॉबल्स ऐसे हैं जिसमें हमारी फैमिली पिक्चर्स हैं। हाँ हमारे हर साल का बॉबल है उसमें जब हम सेंटा के ग्रोटो गए थे। सो आर वी रेडी टू रिवील? यस। सो 1 2 3 तो ऐसा दिख रहा है हमारा क्रिसमस ट्री। लाइट्स ऑन कर दो भाई। हमारा डाइनिंग टेबल रेडी हो चुका है आप देख सकते हो। बहुत सही लग रहा है बेटी ये तो। थैंक्स टू यू। मेरी थैंक्स टू यू एंड मी एंड अभी अभी ने बनाया। आई पुट वैसे ये यहाँ पर नहीं आएगा वो तो थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैंने कहा कोई बात नहीं। गाइस सो दैट्स हाउ आवर डाइनिंग टेबल लुक। लेकिन इस डाइनिंग टेबल के ऊपर अभी बहुत कुछ और आएगा। अभी टेबल रनर आना है, बहुत सारी और भी डेकोरेशंस की चीजें आनी है, यू नो कटलरी रखने के लिए, प्लेट्स रखने के लिए, जो एक्सेसरीज होती है वो सब आनी है। बट ऐसा हमारा डाइनिंग टेबल दिखता है। बाकी हम रेडी है क्रिसमस ट्री पे स्टार लगाने के लिए। लेट्स पुट इट। So excited. मटकी फोड़ रहे तीन चार बहुत मतलब इतना कॉमेडी सीन हुआ है यहाँ पर। It was so scary up there. मतलब कि सारे ऐसे तीन चार बॉल्स तो गिर ही गए। Seriously. इतना ऊपर है वैसे। I was like shivering. Okay. I always wanted to do it. Thank you, mummy and daddy. I always wanted to do it in this way only. Oh my god. Actually ना real Christmas tree है ना तो ऊपर उसका वो थोड़ा सा काफी बड़ा है वो जो लगाने वाला है ना तो स्टार थोड़ा उसका जो स्पेस नीचे से लगाने वाला है मैं ठीक कर दूंगी मैं उसे टाइट कर दूंगी डोंट वरी बट एनीवेज लग गया तो फाइनली लग गया तो बस आई डिड यू हैड फन पुटिंग द स्टार अप यस इट्स माय फेवरेट बबल इट्स सो स्मॉल एंड सो क्यूट और हमारा पूरा घर डेकोरेट हो चुका है। घर कैसा लग रहा है पूरा का पूरा लुक दिखाएंगे हम आपको अगले ब्लॉग में। तो बड़ा मज़ा आया आज। आज का दिन बहुत बहुत बिजी दिन रहा। हम पूरा दिन घर पे ही रहे एंड वी डिडंट गो एनीवेयर और अपने जितने भी पेंडिंग काम थे वो सारे फिनिश करे। सबसे ज़रूरी काम था क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना वो वीर के साथ मिलकर करा और बहुत मज़ा आया। ऑल टुगेदर इट वॉज अ गुड डे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।